अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में सामान्य यानी सिंपल यूनिट्स बनाना। इसके पहले वाले दो वीडियोस में आपने स्टॉक ग्रुप्स बनाना, उन्हें ऑल्टर करना और डिलीट करना सीखा था। आज हम बताने जा रहे हैं यूनिट्स के बारे में। वैसे तो हमें स्टॉक ग्रुप्स के बाद स्टॉक आइटम्स बनाना थे, पर स्टॉक आइटम बनाते समय स्टॉक आइटम में मापने की जो इकाई होती है वो उसमें जोड़ना होती है, तभी हम उस स्टॉक आइटम का ठीक से रिकॉर्ड रख पाते हैं। और यही कारण है कि हम आपको स्टॉक आइटम्स के पहले यूनिट्स बनाना सिखा रहे हैं। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें माल यानी गुड्स के क्रय और विक्रय का काम किया जाता है। इस क्रय विक्रय के लिए हमें उस माल को नापना, तोलना या गिनना होता है, और इस तरह के काम के लिए जिन इकाइयों का उपयोग करते हैं उन्हें यूनिट्स ऑफ मेजर कहते हैं। जैसे कि शक्कर तोलने के लिए किलोग्राम, दूध नापने के लिए लीटर, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है। अब सवाल ये है कि हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापार कर रहे हैं तो इनके लिए क्या इकाई होगी। इनके लिए हम नंबर्स का उपयोग करेंगे। नंबर्स की तरह ही मान लीजिए हमारा कोई आइटम पीस में होता है तो हमारी इकाई पीसेस हो जाती है। यहाँ हम आपको क्वांटिटी कोड्स की एक लिस्ट दिखा रहे हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ भी दे रहे हैं। इसकी सहायता से आप अपने व्यापार की जरूरत के हिसाब से अपनी इकाई का निर्णय कर सकते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। इसके पहले हम मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से लेजर्स और स्टॉक ग्रुप्स बनाना सीख चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि यूनिट्स कैसे बनाई जाती हैं। मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत क्रिएट के लिए सी प्रेस करें और यहाँ इन्वेंटरी मास्टर्स में यूनिट को सिलेक्ट करें। देखिए यूनिट क्रिएशन विंडो आ गई है। यहाँ दो तरह की यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। इन दोनों के अलावा अल्टरनेट यूनिट का भी उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम सिंपल यानी सामान्य यूनिट्स पर काम कर रहे हैं। कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट के बारे में हम इंटरमीडिएट लेवल में बताएंगे। यहाँ टाइप में सिंपल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे सिंबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सिंबल के सामने जो यूनिट बनाना हो उसका शॉर्ट फॉर्म टाइप करना होता है। हम नंबर्स के लिए यूनिट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म NOS यहाँ टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें और यहाँ फॉर्मल नेम के आगे जो यूनिट बनाई जा रही है उसका पूरा नाम टाइप करना होगा। हम यहाँ नंबर्स टाइप कर रहे हैं, अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा कर्सर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के आगे आ गया है, यहाँ जीरो लिखा है। आइए इसे समझ लेते हैं। कभी कभी हमें व्यापार में वस्तुओं को इस प्रकार भी तोलना या मापना होता है, जैसे 1 किलो 250 ग्राम शक्कर या 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा इत्यादि। अब मान लीजिए हम किलोग्राम की यूनिट बना रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के आगे 3 लिखना होगा, और यदि मीटर की यूनिट बना रहे हैं तो 2 लिखना होगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रहे हैं जो कि अपने आप में पूरी वस्तु है, जिसे हम 1, 2, 3 या किसी भी पूरे अंक में ही गिन सकते हैं। यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि 1.5 टीवी देना, ये तो पूर्णांक ही रहेगा। मतलब हमें नंबर्स के आगे दशमलव में कोई संख्या नहीं चाहिए, इसलिए हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के आगे 0 ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यदि आपको कोई और यूनिट बनाना है तो बना सकते हैं। हमें कोई यूनिट नहीं बनाना, इसलिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। अब यदि आप अपनी बनाई हुई किसी यूनिट में कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हैं या उसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये काम आप ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस वही है जो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी। पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने किसी यूनिट को लेकर कोई ट्रांजेक्शन्स कर लिए होंगे तो उस यूनिट में ऑल्टरेशन तो संभव है पर आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में आपने यूनिट्स के बारे में जाना। आगे के वीडियोस में हम आपको स्टॉक आइटम्स, जो स्टॉक मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी हैं,
उसके सभी ऑप्शंस, क्रिएट, ऑल्टर आदि को समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यदि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं।